चलते हैं अभी बीच स्टेशन पे, और यहाँ पे यहाँ से करता हूँ मैं ग्रैब कैब, जो कि आपको बता दूँ कि अगर सिंगापुर आते हो नॉर्मल टैक्सी बहुत कॉस्टली है और मिलती ही बहुत मुश्किल से, इसलिए आप ग्रैब कैब करके एक एप्लीकेशन है ऐप वो इंस्टॉल कर लीजिए, और उसमें आपको इजीली जो है जब भी जहाँ से है आपको मिल सकती है, तो बेटर है और सस्ती भी है नॉर्मल टैक्सी से। तो करते हैं अभी ग्रैब कैब लोकेशन पे पहुँच के। दिस इज कॉल्ड लोकेशन चार्ज। ओह, यू आर टेकिंग माय हैंडसम फेस अप। नॉट हियर। सो आई एम टेकिंग द टैक्सी, सो गोइंग टू द सेंटर, मुस्तफा सेंटर। यू आर बिजी? नो 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 नो, वी आर गोइंग टू लिटिल इंडिया। या वी आर गोइंग टू लिटिल इंडिया मुस्तफा सेंटर। या ओके, या spicy food. Yeah. More spicy, I die. Yeah. I cannot eat very spicy. Yeah. This today there's a lot of spicy food, a lot of curry. You know, little India, they have variety of food. Yeah, that's right. So they you get lots of vegetarian food, a variety of vegetarian food actually. Esplanade and the Merlion. There's a Fullerton Hotel and the skyline of Singapore. Yeah, yeah. My car, she goes straight, man. Okay, where you want to stop? Straight. Straight, huh? Yeah. Hong Kong in India, harbors, right? Yeah. South Indians, this. Oh, yeah, Syed Alvi Road, Mustafa Center. राइट हैंड साइड में ये आर्य समाज टेम्पल है, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। ये देखिए राइट हैंड साइड में ये मुस्तफा सेंटर, ये रहा। तो यहाँ पे खाना पीने का सामान है, फोन हैं, और ये एंट्रेंसेस में तीन चार एंट्रेंस है मुस्तफा सेंटर में, और ये रहा मुस्तफा सेंटर। चलते हैं खाना खाने के लिए, और दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है मुस्तफा सेंटर। ये बालाजी वेजिटेरियन है, यहाँ से खाना खाते थे, और ये एंट्री नंबर 2 है मुस्तफा की, यहाँ से एंटर करते हैं। तो काफ़ी जगह से एंटर कर सकते हो मुस्तफा सेंटर के अंदर। ये कार पार्किंग का है ऑप्शन, और ये है नंदा भवन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो सबसे पुराना रेस्टोरेंट ये है, ये वेजिटेरियन, यहाँ पे मुस्तफा सेंटर के सामने ये 24 आवर खुला रहता है ये भी, और कभी भूख लगी है कुछ है तो आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हो। और इसके पास में एक SBI का ATM भी है, जहाँ से आप पैसे वैसे निकालने हैं डॉलर वगैरह तो निकल जाते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर आपको इंडियंस नज़र आएंगे, ये कुछ बाइक्स खड़ी हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे, अभी पहले इतने इंडियन रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे, तो अभी ये काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे खुल गए हैं आसपास में, क्योंकि इंडियंस बहुत आते हैं यहाँ पे। ये एक सामने है स्ट्रीट, तो अभी मैं आनंद भवन में जाता हूँ और देखते क्या ऑप्शन अवेलेबल है खाने के लिए, तो उसके बाद खाना खाया जाएगा आनंद भवन में। ये
ये है मोस्टर सेंटर। ये तीन चार दो तीन फ्लोर ऊपर है और दो तीन फ्लोर नीचे है। ये आनंदा भवन एंट्रेंस। समय मिला नहीं कुछ वेजिटेरियन, अब चलते हैं बालाजी। तो बालाजी में खाते हैं नॉर्थ इंडियन खाना। बाय बाय आनंद भवन। तो बालाजी भवन में आ गया हूँ। ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, यहीं पर मैंने खाना खाया इतने दिन और कहीं पर उधर नहीं मिला है ना। तो अभी यहाँ पे मैंने नॉर्थ इंडियन थाली ऑर्डर की है और साथ में फ्रेश लाइन होगा खाते हैं फिर यहाँ पे। उसके बाद चलेंगे मुस्को सेंटर के अंदर। ये आ गई है थाली अपनी, पापड़ चिकन रायता पनीर राइस मिक्स वेज और फ्रेश लाइन खाते हैं।